इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकी मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर ने तो नहीं दी, या उन्होंने कहा था कि जी उनका एक का बगल बच्चा है, पता नहीं क्या कहानी थी जिस पर अभी वजीर इत्तलात को माफी मांगनी पड़ी। तो इलेक्शन कमीशन पर हमलावर तो हुक्मरान जमात हुई है ना, या उससे पहले इमरान खान साहब अभी चंद महीने पहले फॉरन ऑफिस में जाकर फॉरन ऑफिस पर हमलावर हो गए थे कि जनाब इनको तो ये तो डिप्लोमेसी नहीं करते और ये सारे करप्ट हैं। यही हुकूमत जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन पर भी हमलावर हुई है। और जो सबसे आई थिंक परेशान कुन बात है कि ये वो हुकूमत है जो बतौर अपोजिशन जमात और पार्लियामान पर लानत भेजते थे, पार्लियामान के जंगले तोड़े हैं इन्होंने 2014 में, ये पीटीवी पर डंडे लेकर कब्जा इन्होंने कब्जा किया था, इन्होंने डंडे लेकर इस्लामाबाद पुलिस को जदोकूब किया था, और इल्जाम हमें देते हैं। अपना भी जरा दामन देखें। और रिसेंटली जो अगर आखिरी कसर रह गई थी बतौर अपोजिशन, तो इन्होंने सिर्फ एक बुलडोजर के जरिए पार्लियामान का जंगला गिराया था, लेकिन हुकूमत में आकर तो ये पार्लियामान को अंदर से बुलडोज कर रहे हैं। और पिछले बुध को हमने जो शर्मनाक डिस्प्ले देखा वो क्या हुआ उस दिन, कि पार्लियामान जो है वो बुलडोजर के हवाले है, अवामी मैंडेट वोट चोरों के हवाले है, जो हिंदुस्तान का जासूस दहशतगर्द है वो एनआरओ के हवाले है, स्टेट बैंक आईएमएफ के हवाले है, और पाकिस्तान के भूखे और बेरोजगार गरीब जो हैं वो अल्लाह के हवाले। क्या वो इस वक्त तो महंगाई के हवाले हैं जो रोजाना उनके गले काट रही है।